नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। जरी डी के अंतर्गत आने वाले तुपका डी में भी स्थापित संयुक्त मोर्चा के अगुवाई पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसके साथ ही आगे भी 3 दिवसीय विस्थापित जन आक्रोश तालाबंदी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। जरीडी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली तुपका डी में विस्थापित संयुक्त मोर्चा के अगुवाई पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुनर्वास क्षेत्र तुपका डी में 3 दिवसीय विस्थापित जन आक्रोश महा कुकुरकुंड डोली तालाबंदी आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। इस बैठक का संचालन अमित कुमार दिगार ने की, जिसमें मोर्चा के अध्यक्ष निवारण दिगार और मंच के अध्यक्ष फूलचंद महतो उपस्थित रहे। 26 फरवरी 2020 को मोर्चा द्वारा 1 दिवसीय तालाबंदी आयोजन किया गया था, लेकिन BSL प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा लिखित रूप से आश्वासन दिया गया था कि 12 मार्च को त्रिपक्षीय वार्ता करते हुए नौकरी की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन BSL प्रशासन एवं जिला प्रशासन करने में असमर्थ रही। इससे निराश होकर विस्थापित संयुक्त मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं और मोर्चा ने यह प्रण लिया है कि अब BSL प्रबंधन सीधे तरीके से नौकरी देने का काम करे, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। मोर्चा द्वारा 24, 25, 26 सितंबर को कुकुर कुंडोली आंदोलन का आयोजन किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। हमारे HBN न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम तात्री दक्षिणी के पंचायत में है, जहाँ पर हमारे साथ विस्थापित नेता आदरणीय निवारण दिगार जी और आदरणीय फूलचंद महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने आज एक बैठक की आयोजन की है, और ये बैठक क्यों रखी गई है विस्थापित परिवार की ओर से, इसके बारे में पूरी जानकारी इन्होंने लेंगे हमारे नेता जी से। भाई, मेरा नाम निवारण दिगार है। विस्थापित संयुक्त मोर्चा का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, और लंबा संघर्ष इस बैनर के आधार से मैं करते आया हूँ। और ये जो कार्यक्रम का मूल मुद्दा है, आज हमने जो रविवार को साप्ताहिक बैठक में जो निर्णय लिए कि हमारा तैयारी पूरा जोर शोर से पूरे विस्थापित गांव में चल रही है, और हम यहां के बाद और अनेकों जगह में जाके बैठक करेंगे। ये मूल मांग ये है कि विस्थापित अपना ज़मीन BSL को दे दिया, BSL ने ज़मीन ले लिया, आज तक उस जमीन के बदले में विस्थापित को संपूर्ण रूप में वो नौकरी नहीं मिला है जो कि मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, विस्थापितों का एक निर्णय है कि आने वाला जो 24 सितंबर होगा, उस 24, 25, 26 सितंबर को 3 दिवसीय महाकुकुर कुंडली आंदोलन के साथ साथ में एडीएम बिल्डिंग का मुख्य द्वार को 72 घंटा के लिए लॉकडाउन कर दिया जाएगा, और तब तक किया जाएगा जब तक BSL प्रबंधन ये नौकरी का मांग को स्वीकार नहीं करते हैं और विस्थापितों को नौकरी नहीं देते हैं, तब तक ये धारावाहिक बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। यही मेरा इस आंदोलन का करने का उद्देश्य है। मैं इस कार्यक्रम के तहत आए हुए मीडिया बंधु को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी को इस सभा के माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा और कामना करता हूं कि प्रत्येक बार जिस तरह मीडिया हमारे विस्थापित आंदोलन को विस्तार पूर्वक BSL के खिलाफ में जो ये से मुकाम से लेकर पार्लियामेंट तक जो पहुंचाने का इन्होंने काम किया है, इसलिए मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। मीडिया हमारा मांग को जरूर आगे तक पहुंचाने का काम करेगी, ये मेरा आशा और पूर्ण विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वक्त मैं समाप्त करता हूं। फूलचंद महतो, झारखंड बेरोजगार विकास मंच का बोकारो का जिलाध्यक्ष। 24, 25, 26 3 दिवसीय कार्यक्रम एडीएम बिल्डिंग से जनता आंदोलन का आगाज करने जा रही है, जिसमें मुद्दा है नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास। 60 वर्षों से BSL ने भोले भाले विस्थापित को ठग के रखा, नौकरी के नाम पर, जमीन के नाम पर, मुआवजा के नाम पर धोखा दिया।
बोकारो में मैन पावर इसका 9000 है, 1600 अफसर हैं, सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 12 के बीच 35000 इसका क्वार्टर है, 44000 एकड़ विस्थापितों ने जमीन देकर भूमिहीन हो गया। हमारा मांग है कि चतुर श्रेणी की बहाली जो S1 है उसको 6000 तत्काल बहाली चालू करो, DPLR से नाम लो और उस परिवारों को सीधी बहाली में भर्ती किया जाए। दूसरा S2 में जो मांग है कि जो नॉन टेक्निकल बहाली है वो मैट्रिक आधार पर S2 में बहाली दिया जाए। S3 की जो बहाली है इसको साजिश के तहत ये OTT बनाया है, इस OTT को रद्द करो और इसमें जो विस्थापित टेक्निकल कर चुके हैं उन लोगों को बहाली दिया जाए। अगर इन मांगों को बोकारो मैनेजमेंट और जिला प्रशासन और सरकार सरलता से मांग को नहीं दिलाया तो आने वाला समय में हमारे क्रांतिकारी और जुझारू और कर्मठ नेता निवारण जी ने बोला है कि बोकारो का मेन गेट को हम लोग जाम कर देंगे। ये 3 दिन का आंदोलन हम लोग को सांकेतित होने जा रहा है, तालाबंदी का आंदोलन है। हम सरकार से और बोकारो उपायुक्त से मांग करते हैं कि इस पर संज्ञान लिया जाए। बेरोजगारों पर, बेरोजगारी पर नौजवान भटक रहे हैं और इन लोगों को हक अधिकार दे दिया जाए, तभी बोकारो शांत रह सकता है। नहीं तो पापी पेट का सवाल है, लोग पलायन कर रहे हैं, एक कोरोना से हम लोग जंग लड़ रहे हैं और अब BSL से भी जंग हम लोग जरूर है कि जीतेंगे। और हक अधिकार, गरीब माताओं बहनों देखिए किसी का नौकरी नहीं, इतना बड़ा गांव में सब बेरोजगार है, हर जगह जाइए दर दर का ठोकर खा रहा है लोग, कोई पूछ नहीं रहा है। अगर जमीन रहता तो अभी खेतीबाड़ी करके मार भात से भी तो बेटा बेटी को पाल पूछ सकता था, वो भी भूमिहीन कर दिया BSL ने। जय झारखंड, जय हिंद, जय विश्व। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।